शिवाय केवल लोग से करें ये शक्तिशाली वशीकरण विधि। यदि आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आज की विधि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जिस प्रेमी ने, जिस प्रेमिका ने, जिस पति ने, पत्नी ने, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने आपसे वादा किया हुआ था, या आपके परिवार वाले आपको धोखा दे रहे हैं, आपका प्यार आपको धोखा दे रहा है, बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे रहे हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है, तो उनके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये वशीकरण विधि करने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। केवल इस विधि को आप अपने पूर्ण सच्ची श्रद्धा से और नियम से करें और इसका चमत्कार देखें किस प्रकार से। जिस भी कार्य के लिए आपने ये वशीकरण विधि की है, उस कार्य में आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। उस कार्य में, जिस कार्य के लिए आपने ये वशीकरण विधि की है, छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। केवल लौंग से करें ये शक्तिशाली और ख़तरनाक वशीकरण विधि। तो आपने इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और आपको किस दिन करना है, कैसे करना है, तो इस पूरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई इस विधि की सभी जानकारी अच्छे से मिल सके। और आप किसी भी विधि को ना भूलें तो आपने क्या करना है, आप एक कॉपी पेन ले लें और कॉपी में आपने इस विधि में बताई हुई सभी सामग्री को आप लिख लें, और जो आप लगता है कि आप इसे भूल जाएंगे तो आप इसे नोट कर लें। तो आपने क्या करना है, पहले तो जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो, वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें, तब तक ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। अच्छे से स्वस्थ होने के बाद आप इस वशीकरण विधि को कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये सभी सामग्री पहले इकट्ठा कर लेनी है। आपको चाहिए लौंग, सरसों का तेल, एक छोटा सा प्लेन पेपर और एक छोटी सी डिब्बी जिसका आपने प्रयोग करना है, और आपको माचिस की आवश्यकता है, पेन की आवश्यकता है। आप इन सभी को, और एक पात्र जिसमें आपने इस पूरी विधि को करना है, पात्र आप स्टील का लें चाहे आप माटी का लें, आपने एक पात्र लेना है। इस प्रकार से हमने माटी का पात्र लिया है, तो आपने क्या करना है, आपने इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। स्नान आदि करने के बाद ऐसे स्थान पर जाकर बैठे जहाँ पर आपको वशीकरण विधि को करते हुए कोई रोके ना, टोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। तो आपने क्या करना है, आप पहले जो आपने खाली डिब्बी ली है, इस डिब्बी को आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है। इस प्रकार से आप सरसों का तेल इसके अंदर डाल लें, केवल थोड़ा सा ही सरसों का तेल डालना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो लौंग ली है, लौंग आपने साबुत ही लेनी है, जो ये खंडित लौंग होती है जिस पर फूल नहीं है। आप इस प्रकार से जिस लौंग पर फूल नहीं होता उसका आपने प्रयोग नहीं करना है, आपने केवल दो लौंग लेनी है। इस प्रकार से आपने दो साबुत लौंग ले लें जिस पर फूल हो, और उस लौंग को आपने, इन दोनों लौंग को आपने इस डिब्बी में डाल देना है। और सफ़ेद प्लेन पेपर, आप अपने इस सफ़ेद प्लेन पेपर पर उस व्यक्ति का, उस प्यार का नाम लिखना है जिसके लिए आप ये वशीकरण विधि कर रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा इस पर राहुल, इस प्रकार से आप इस पर
नाम लिख लें और उसके बाद इस पेपर को आपने इस डिब्बी के अंदर आपने डाल देना है। इस प्रकार से डालने के बाद इस डिब्बी को ऊपर से बंद कर दें, इसका ढक्कन लगा दें अच्छे से टाइट करके, जिससे कि इसमें रखा हुआ तेल बिल्कुल भी ना गिरे। और आपने इस डिब्बी का क्या करना है, आप जिस दिन आप इस वशीकरण विधि को कर रहे हो तो आपने रात्रि के समय करना है, और सोने से पहले आप इस वशीकरण विधि को करें, और जब आप सो रहे हो तो आपने इस डिब्बी को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, और अगले दिन आपने आपके परिवार के उठने से पहले आपने इस डिब्बी को अपने तकिए के नीचे से निकालना है, और उसके बाद जो आपने ये पात्र लिया है, माटी का पात्र लिया है, अब इस माटी के पात्र में आपने क्या करना है, इस डिब्बी को इसी प्रकार से, या आप ढक्कन खोल कर भी आप इसे जला सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने किसी भी पेपर की सहायता से या किसी भी प्रकार से आप इसे जला सकते हैं। आपने ध्यान रखना है इसे जलाना है। इस प्रकार से आप इसे जला दें। जब ये अच्छे से पूरा जल जाए, जो ये डिब्बी रखी हुई है इसमें ये अच्छे से जल जाए, जलने के बाद आपने इसका प्रयोग करना है। कैसे करना है, जब तक ये जल रही है इसको अच्छे से जलने दे। जलने के बाद जब ये अच्छे से इस प्रकार से जब ये अच्छे से जल जाए, तो जलने के बाद जो ये राख बची है, इस राख को आपने किसी सुनसान स्थान पर जाकर फेंक करना है, और आप वहाँ से वापस आ जाएं। आप देखेंगे जिसके लिए भी आपने ये वशीकरण विधि की है, वो कार्य आपका जरूर पूर्ण होगा, वो व्यक्ति आपके वश में जरूर होएगा। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को पूरे विधि विधान से करें, और अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से करें, और इसके परिणाम खुद आप देखेंगे, जिससे कि आप दूसरों को भी बताएंगे। जब तक आप खुद प्रयोग नहीं करेंगे, आप दूसरों को नहीं बता पाएंगे किसके परिणाम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आप पहले खुद प्रयोग करें, फिर दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। हमने जिन भी साधक साध्वियों को इस वशीकरण विधि के बारे में बताया है, जब से उन्हें बहुत ही लाभ मिले हैं। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होंगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी। इस वशीकरण विधि को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, केवल आपने रात्रि के समय ही इस वशीकरण विधि का प्रयोग करना है। स्नान आदि करने के बाद आप इस